14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम आपने बनानी है इस टाइम पे। जो आई थिंक आपकी टीम वहां पर खेली थी श्रीलंका में, मेरे ख्याल में उसमें एक दो चेंजेस होंगे, शायद नसीम की जगह हसन अली आ जाएंगे। डिपेंड करता है विकेट कैसी है, क्या आप नवाज को खिलाएंगे। मुझे लगता है वो फ्लैट ट्रैक होगा, लाल मिट्टी वाला ट्रैक होगा और थोड़ा सा बॉल उस पर ग्रिप करेगा, तो वो आपको दो स्पिनर खिलाने होंगे। आप इंडिया में बैठ के बाबर की बहुत तारीफ करते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती? बाबर आजम दुनिया के एक टैलेंटेड बैट्समैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और मैं बैठ के ये कहूंगा वाह यार बाबर आज 100 बना दो, इंडिया को हरा दो। बाबर आजम और विराट कोहली में नंबर वन बैटर कौन है? बाबर से भी जब आप पूछते हैं, बाबर भी यही कहते हैं कि यार अभी आप विराट से कंपैरिजन ना करें, इसमें ये कंपैरिजन नहीं होंगे तो मजा भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, बासित अली हाजिर है अपने नए प्रोग्राम के साथ और आज हमने बॉर्डर के उस तरफ जो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, पाकिस्तान के लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और क्रिकेट की जो नॉलेज है उनकी वो बहुत टॉप क्लास है, उनका नाम है विक्रांत गुप्ता, दुनिया जानती है और हमसे तो बहुत ही अच्छी मतलब दोस्ती नहीं बोलूँगा, फैमिली टर्म्स हैं। तो आज हमने मधु कराया विक्रांत साहब को, अभी श्रीलंका से आए हैं और थोड़ी तबीयत ख़राब है। विक्रांत जी गुड इवनिंग एंड नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग बासित भाई। मतलब जब जब आपको देखता हूँ तो मतलब ऊपर वाले को यही कहता हूँ कि आपको तंदुरुस्ती मिले, टचवुड काफी जवान लग रहे हैं आप। हाँ, जब से अमेरिका से आए जवान हो गए। कुछ तो किया आपने ऐसा। पहले तो विक्रांत जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपकी महिलाओं ने गोल्ड जीता, बहुत खुशी की बात है कि हमारी महिला जो एशिया की महिला है वो अब मैच कर रही है ऑस्ट्रेलियन से, इंग्लैंड से, स्पेशली इंडिया की टीम। तो बाकी एशियन गेम्स बासित भाई मतलब एशिया में तो ये बेस्ट थी ही, लेकिन वही बात होती है ना कि जैसे ये वर्ल्ड कप भी खेली है, फाइनल भी खेली है, तो वहां जाकर हाथ पैर फूल जाते हैं। जो मुझे लगता है कि एक भले ही ये छोटा सा ही बैरियर था, बट कोई भी फाइनल अगर आप जीत जाए तो आई थिंक उसका एडवांटेज ही होता है। अच्छा विक्रांत जी, थोड़ा सा अब हम आपको, हमें पता आपकी तबीयत सही नहीं है, हम थोड़ा सा एशिया कप के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पे थे। जब एशिया कप शुरू नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फेवरेट थी पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग की वजह से, और इंडिया को प्रॉब्लम थी कि उनके यहाँ आपको पता ही है कि इंजरीज हुई हुई थी, बुमराह इंजरी से आए थे, राहुल को इंजरी थी, अय्यर को इंजरी थी, ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली टीम में ही नहीं थे, वो हमारी दुआ अल्लाह ताला से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और उसके बाद जो इंडिया ने फेटा लगाया ना, पहले मैच में भी लगाया, हालांकि आपने मुझे बोला था कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाता, मैंने कहा नहीं जीतता, आपको याद होगा मेरे वर्ड्स 266 पे, और सनी भाई ने भी यही बात बोली थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। उसके बाद जो इंडिया ने दूसरे मैच में फेटा लगाया तो मुझे जावेद भाई का वो छक्का याद आ गया शारजा वाला, कि उसके बाद शारजा में पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती थी इंडिया पे, शारजा में, ओनली शारजा में, नॉट इन द आईसीसी। लेकिन अब जो इंडिया ने ये फेटा लगाया एशिया कप में, उसके बाद तो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम बन गई है, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आपने बिल्कुल सही कहा बासित भाई, मुझे याद है उस दिन भी आपने कहा था कि ये 266 ये नहीं होने थे, और मैंने आपसे ये कहा था कि बासित भाई अगर 50 ओवर हो जाए तो शायद इंडिया जीत जाए, बट अगर वो मैच छोटा हो जाता तो फिर शायद पाकिस्तान जीत सकता था। बट उस वक्त पाकिस्तान चढ़ा भी हुआ था, मतलब ऐसा नहीं है, पाकिस्तान चढ़ के खेल रहा था, एक खौफ था फास्ट बॉलिंग का, शाहीन नसीम और हारिस राउफ का, और आई थिंक एक बड़ा फैक्टर जो आपने कहा सिर्फ ये नहीं था कि इंजरीज, ये भी था कि प्लेयर्स खेले नहीं हुए थे, एक साथ नहीं खेले हुए थे। अच्छा मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि वो एक साथ लगातार खेल कर आ रहे हैं और इंडिया एक साथ खेला ही नहीं हुआ था, बट वो कभी कभी क्या होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो मैच में ऐसा झटका लगा। आई थिंक वो जो आपने जावेद मियांदाद साहब के छक्के की बात की बासित भाई, वो छक्का शायद 10 सितंबर को नहीं, वो शायद 2 सितंबर को जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप हो गई ना, आई थिंक वो मोमेंट था, क्योंकि अचानक से क्या हुआ, वो पाकिस्तान को बीच में विकेटें नहीं मिली, वो एक कमजोरी दिखनी शुरू हुई। फिर बावजूद इसके मुझे याद है कि जब 10 तारीख को मैं 8 तारीख को कोलंबो पहुंच गया था, और 10 तारीख वाले मैच में मुझे ये था, मैं कहा यार ये पाकिस्तान ना और इंडिया बराबर की लड़ाई होगी, बट द मोमेंट इनको पहले 10 ओवर में अगर विकेट नहीं मिला उसके बाद पाकिस्तान बहुत ऑर्डरी हो गया था, और चूंकि इंडिया खेल रहा था तो आई थिंक वो बेहतर होते गए। प्लस उस दिन अब देखिए फिर वही बात होती है ना कि
हालांकि मेन मकसद तो सबका वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप से पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम कल 400 रन खा रही है, मतलब हमारे जितने सवाल थे उन सबके जवाब मिल रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने कल क्या जबरदस्त 100 बना दिया, जो सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग कर दी, और केएल राहुल उस दिन जिनको मैच से 5 मिनट पहले कोच ने कहा था अरे भाई श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज़म्स हो गए आपको खेलना, उन्होंने 100 बना दिया। विराट और रोहित का तो हमें मालूम ही था, फिर शुभमन गिल, तो अचानक से वो कहते हैं ना वो सारी की सारी चीजें चलनी तो शुरू हो गई हैं। बट मेरा अभी भी मानना है बासित भाई कि यस इंडिया की तैयारी बड़ी अच्छी है, बट द मोमेंट वर्ल्ड कप आएगा आई थिंक असली इम्तिहान वो होगा, तो वो वहां तक पहुंचने में अभी जो 10-12 दिन है आई थिंक वो भी बड़े क्रिटिकल है। अच्छा विक्रांत जी एक बात मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि आप बहुत बड़े बाबर आजम के फैन है, जिस तरह मैं हूं उस तरह आप हैं, हमारे मुल्क में तो हम मैंने नाम दिया हुआ है पाकिस्तान आजम, आपको पता ही है, आप इंडिया में बैठ के बाबर की बहुत तारीफ करते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लोग आपसे सवाल नहीं करते होंगे कि भाई आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ऐसा बिल्कुल वहां पे मतलब वहां पे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए ना पाकिस्तान में तो लोग विराट के बड़े दीवाने हैं, लोग और प्लेयरों के भी बड़े दीवाने हैं, तो मतलब ये बासित भाई होता क्या है ना, या तो आप सोशल मीडिया देख लें जहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं गोलियां चलाने के लिए एज इन गालियां देने के लिए, तो वो ठीक है। बाकी बाबर आजम की बैटिंग मुझे अगर पसंद है या बाबर आजम दुनिया के एक टैलेंटेड बैट्समैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और मैं बैठ के ये कहूंगा वाह यार बाबर आज 100 बना दो इंडिया को हरा दो। एंड सिमिलरली पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं कहेगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि विराट आज तू बना दे 150 पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को हरा दे। सो हर इंसान क्रिकेट देखने का एक नजरिया है। अगर आप विव रिचर्ड्स को पसंद करते थे, मैं पसंद करता था, जस्ट बिकॉज वो इंडियन या पाकिस्तानी नहीं थे तो वो हमें अलाउड था कि वाओ विव रिचर्ड्स वाओ। तो आज पाकिस्तान में बैठ के विराट को या इंडिया में बैठ के कोई बाबर को पसंद करता है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। वैसे अपना गुरुजी पाकिस्तान में एक एक ऐसी लेडी है, बच्ची है, जो दुआ करती है सुबह नमाज में कि विराट अंकल भी 100 करें और बाबर अंकल भी 100 करें, और उन्हें पता है कि दोनों का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसका नाम है फातिमा, उसका नाम है फातिमा बासित। मैं मुझे मालूम है आपने एक बार फातिमा के बारे में मुझे पहले भी बताया था। नहीं तो ये तो देखिए अब आप मतलब खुद टेस्ट प्लेयर रहे हैं और आपके घर में जो आपका खून होगा जो बच्चे होंगे वो क्रिकेट को जो समझ पाएंगे वो तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। तो आई थिंक क्या होता है ना कि आपको भी वो देखती होंगी आपको सुनती होंगी और एक वो खून वाली बात तो आ ही जाती है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका बेटा भी तो माशाल्लाह बहुत, दोनों बेटे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19 में एक तो सिलेक्ट हुए। हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए तो मुझे प्रेजेंट लाना है कि अंकल की तरफ से बैट मिलेगा उसको। मैंने बाबर को वहां पे मिला था, मैं बाबर को हाँ ये स्टोरी आई थी बड़ी, जब वो तो सुनाया हमें। बिल्कुल वो क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला दिन था जब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर अटका, तो मतलब आमने सामने हुए, फिर पाकिस्तान की प्रैक्टिस चल रही थी, तो आई वेंट देयर, मैं कई प्लेयर्स को मिला, तो बाबर वैसे मेरे माइंड में आया, मेरे जहन में वैसे ही आया, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैंने कहा चलो यार बाबर से पूछते हैं कि अगर उनके पास कोई स्पेयर बैट होगा तो मैं बैट ले लूंगा, मतलब उनसे ऑटोग्राफ करा के। तो बाबर प्रैक्टिस करके आए और बड़े मतलब एक दो मिनट हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आई नो इस वक्त तो आपके लिए मुमकिन नहीं होगा बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मतलब आप 4-6 बैट लेके आए होंगे और उस वक्त तो आपको मालूम नहीं होता ना कि आपको कितने बैट चाहिए, बट मैंने कहा यार कभी अगर मुमकिन होगा तो आप मुझे एक बैट जरूर दीजिएगा, अपने ऑटोग्राफ करके दीजिएगा। हालांकि अगेन वो जो ग्रेनिकल्स के बैट से खेलते हैं बासित भाई वो इंडिया में भी बनता है और जलंधर में जो बनता है वो हमारे जानने वाले हैं, वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एपिक्स काउंसिल मेंबर हैं, फॉर्मर पंजाब प्लेयर भी हैं, तो मैं जाके वहां से भी ले सकता हूं। लेकिन वैसे ही मेरे माइंड में आया एंड आई थिंक बाबर वाज वेरी कर्टियस, लेट मी से कि बाबर आजम बहुत कर्टियस थे, बाबर आजम ने बड़े मतलब हंस पड़े वो मजाक, उन्होंने कहा जी ये तो आपने बड़ा मुश्किल काम कह दिया है, मैं कहा जी है तो मुश्किल है बट देखना आप कभी अगर मुमकिन हो पाए तो। तो ये हमारा वादा रहा आपको बाबर आजम का बैट भी मिल जाएगा, चलें। अच्छा एक वो सवाल कर रहा हूँ आपसे जिसका मैं तो बहुत जवाब दे चुका हूँ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, बाबर आजम और विराट कोहली में नंबर वन बैटर कौन है अभी? तो बासित भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा
कि विराट से बेहतर बाबर हो गए। विराट का बासित भाई मतलब 100 अगर आप देखें, किसी जमाने में होता था कि 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज जो इंग्लैंड में अक्सर प्लेयर्स बनाते थे, आई थिंक जहीर अब्बास साहब शायद फर्स्ट थे एशियन जिन्होंने 100 फर्स्ट क्लास 100 बनाए थे, तो वो इतना बड़ा मतलब वो माना जाता था। यहाँ तो इनके सचिन के बाद मुझे लगता है जिस तरह वो खेल रहे हैं शायद वो 100 इंटरनेशनल 100 बना देंगे। बीच में 3 साल उनके रन नहीं आए, बावजूद इसके आज आप देखिए इतने रन है। तो मुझे लगता है कि बाबर से भी जब आप पूछते हैं, बाबर भी यही कहते हैं कि यार अभी आप विराट से कंपैरिजन ना करें। बट क्रिकेट चीज ऐसी है बासित भाई, जब आप पाकिस्तान खेलने आए थे तो लोग आपका कंपैरिजन जावेद मियांदाद से करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप साल एक या दो साल खेल गए तो आप जावेद मियांदाद बन गए थे। बट लोगों को ना वो दिखता है, वो दिखता है कि यार आगे चल के ये जावेद मियांदाद की तरह बन सकते हैं या आज विराट की तरह बाबर इतने रन बना सकते हैं। और आई थिंक क्रिकेट में ये कंपैरिजंस नहीं होंगे तो मजा भी नहीं आएगा। क्रिकेट इज अ रोमांटिक गेम, और 90s में तो देखिए ये रहा ही ना कि सचिन वर्सेस लारा वर्सेस इंजमाम, बाद में रिकी पोंटिंग भी आ गए, तो इन डिबेट्स के बिना क्रिकेट में कहां मजा आता है। अच्छा, एक ये सवाल जो आप कर रहे हो ना, ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जितना आपका जहन चलता है ना विक्रांत जी, आप बहुत आसानी से जवाब देंगे। 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम आपने बनानी है इस टाइम पे। 11 मुझे लगता है कि आपकी टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस तो आए नहीं है, और अच्छा किया आपकी टीम, मतलब पहले तो वहां पर दो मैच आपकी टीम हारी इंडिया से, श्रीलंका से, तो इतना पैनिक हो गया। मैं यहाँ पे देखता था, कोई कहता जी कप्तान बदल दो, कोई कहता जी टीम बदल दो, कोई कहता इसको ले आओ, कोई कहता उसको ले आओ। बट जो आई थिंक आपकी टीम वहां पर खेली थी श्रीलंका में, मेरे ख्याल में उसमें एक दो चेंजेस होंगे, शायद नसीम की जगह हसन अली आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है विकेट कैसी है, क्या आप नवाज को खिलाएंगे शादाब के साथ, वो भी मुमकिन है। मतलब आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा बासित भाई कि जब आपकी टीम इंडिया आएगी, आई थिंक परसों आपकी टीम आ रही है, तो उनके प्रैक्टिस मैचेस में क्या होता है, प्लस अहमदाबाद में जो कंडीशंस है वो कैसी होती है, क्या आपको विकेट पे हल्का फुल्का घास मिलेगा जिसके चांसेस कम है। मुझे लगता है वो फ्लैट ट्रैक होगा, लाल मट्टी वाला ट्रैक होगा और थोड़ा सा बॉल उस पर ग्रिप करेगा, तो वो आपको दो स्पिनर खिलाने होंगे, ये आपको देखना होगा। हालांकि मैं ये पाकिस्तान अगेन एक महीने में देखिए कितना कुछ बदलता है। एक महीना पहले मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान में डेप्थ कितनी है, देखो यार शादाब भी बैटिंग करते हैं, नवाज भी बैटिंग करते हैं, शाहीन शाफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं। बट बात आ जाती है बासित भाई सारी की सारी, आप तो इतनी क्रिकेट खेले हैं कि आप बिग डे बिग प्रेशर कैसे लेते हैं। और भाई छोटा सा मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक महीने में जो बदलाव हुआ है, जो चेंज हुआ है, 2 साल पहले मैं ये ट्रिगर पॉइंट मानता हूं, 2 साल पहले दुबई में जो वर्ल्ड T20 हुआ था, आई थिंक इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी, बट हुआ कुछ ऐसा था कि उससे ना 1-2 महीने पहले इंडिया में वो शुरू हो गया था कि क्या पाकिस्तान को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक उसमें ना अननेसेसरीली क्रिकेटर्स को ड्रैग कर दिया जाता है, तो और इंडिया कभी हारा नहीं था वर्ल्ड कप पाकिस्तान से, और मुझे याद है इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त टीम, बट वो हारने का खौफ भारत के खिलाड़ियों पर ऐसा आया कि उनके हाथ पैर फूल गए, वो मैच हार गए। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन बराबर रहे, हालांकि पिछले साल वर्ल्ड कप में इंडिया जीता, इस साल भी अगर आप देखें इंडिया एशिया कप में जीता है। मुझे अब क्या लगता है कि मैं अगेन सोशल मीडिया की ही बात करता हूं, आई थिंक सोशल मीडिया पे ना बहुत ऐसा अग्रेशन हो गया अब कि आपके लोगों ने शायद आप ही की टीम पे बहुत प्रेशर बना दिया है, तुम इंडिया को हरा दोगे, तुम इंडिया को 50 ऑल आउट कर दोगे, तुम इंडिया को 70 ऑल आउट कर दोगे। उससे क्या होता है, 2021 में आपकी टीम आई थी विदाउट एनी बैगेज, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान इंडिया को इतना बुरी तरह हराएगा, पर वो जीत गए। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस एक महीने में इतना बोझ लेके आ रहा है, इतना एक्सेस बैगेज लेके आ रहा है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर रखेगा।